दोस्तों, मध्य प्रदेश का मतदान संपन्न हो चुका है। अब मतगणना होगी 3 तारीख को और करीब 30 जिलों में हम लोग घूमे हैं। 30 जिलों में घूम घूम करके आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, क्या कुछ मध्य प्रदेश के लोगों के मुद्दे थे, मध्य प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं। और शायद कम ही चैनल ऐसे होंगे जो इतने बड़े क्षेत्र में जो है वो घूम पाए हों। 51 जिले हैं और 51 में से 30 जिले, करीब करीब आधा मध्य प्रदेश जो है वो हम लोग घूमे हैं। अब क्या कुछ इस बार का रुझान कह रहा है, मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या दिख रहा था, क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा बात करेंगे। और हमने जमीन पर जो है वो क्या समझने की कोशिश की, क्या समझ पाए, उस पर थोड़ी बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का ये आंकड़ा दिखाना चाहूँगा, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। 4000000 ये लगा हुआ है, जो मध्य प्रदेश के अंदर कुल 5,60,83,139 वोटर है। और 5,60,00,000 वोटर में से इस बार मध्य प्रदेश के 4 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से 5,60,00,000 में से 2,71,99,586 महिला वोटर है, 2,87,82,261 पुरुष वोटर है, यानी महिलाओं से 10,00,000 पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा जो मतदान रहा है वो 90% सैलाना के अंदर 90% मतदान रहा है। पिछली बार का जो मतदान था 2018 का जो मतदान था वो था 74%। इस बार का जो मतदान है वो 76% के करीब मतदान पहुंच गया है। मतदान का बढ़ना अपने आप में ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ लहर है, सरकार को बरकरार रखने के लिए मतदान जो है वो अनमुनन जो है वो नहीं माना जाता है। आप ट्रेंड देखेंगे साल दर साल का, तो यही माना जाता है कि मतदान बढ़ा है तो इसका मतलब सरकार बदल रही है, ये माना जाता है। खैर, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आंकड़े बहुत जरूरी है, वो खास आंकड़े। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो सैलाना के अंदर हुआ है, 90% मतदान हुआ। देखिए कितनी शानदार बात है, बड़ा उत्साह दिख रहा था मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर। सबसे कम मतदान जहां पर हुआ है, 50% मतदान कम हुआ है, सिर्फ 50% ही हो पाया, वो हुआ है भिंड के अंदर, जबलपुर कैंट के अंदर हुआ है 52%। जबलपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमने आपको दिखाई है। जोबट के अंदर 52% मतदान हुआ है। भोपाल दक्षिण पश्चिम में 53% मतदान हुआ है। और ग्वालियर के अंदर भी, ग्वालियर साउथ की सीट पर भी 51% मतदान हुआ है। मतलब कि जो बड़े बड़े धुरंधर थे वहां पर भी वोट नहीं हो पाया, वहां पर भी वोट जो है वो कम है, क्या कहेंगे इसको आप। दूसरा, आप जो हाई प्रोफाइल सीट थी उसकी अगर बात करेंगे, जीतू पटवारी के क्षेत्र में जो है, जीतू पटवारी के क्षेत्र में इस बार मतदान हुआ है 73%। अजय सिंह, कांग्रेस के नेता की मैं बात कर रहा हूं पहले, ये अजय सिंह के क्षेत्र में भी 69% मतदान हुआ है। लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह की सीट के ऊपर जो है वो मतदान हुआ है। चाचोड़ इनकी सीट है और चाचोड़ का ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था, और वहां पर बीजेपी की तरफ से प्रियंका और मीना दो महिला हैं, और उन दोनों महिला प्रत्याशियों के प्रियंका जो है वो बागी हो गई थी, मीना वहां पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रही थी, और एक के पति IAS है और एक के पति IPS है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था वहां पर भी, और वहां पर मतदान हुआ है 79%। और उसके साथ में विजय लक्ष्मी साधो के यहां पर 80% मतदान हुआ है। बीजेपी के जो कद्दावर नेता, उनकी अगर आप बात करेंगे तो पहले सांसदों की बात करते हैं, सांसद में प्रहलाद पटेल के यहां पर 80% मतदान हुआ है। नरेंद्र तोमर की सीट पर कम मतदान रहा, 70% मतदान रहा। फगन कुलस्ते की सीट, वो भी हमने आपको मंडला के अंदर, फगन कुलस्ते की सीट है, और मंडला की फगन कुलस्ते की सीट जो है वहां पर भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी। जबलपुर से निकल करके आप छत्तीसगढ़ में जब जाएंगे तो मंडला आता है, और मंडला के अंदर फगन कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के मंत्री हैं, इस्पात मंत्री हैं, और उनको टिकट दिया गया, विधानसभा के चुनाव में उतारा गया, उनको 76% वहां पर मतदान हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय की सीट पर 68% यहां पर वोटिंग हुई है। और राकेश सिंह, मोदी जी के और सांसद,
और यहाँ पर भी 65% मतदान हुआ है। जयंतमाला 74% मतदान हुआ है। गोविंद सिंह की सीट पर भी 63% मतदान हुआ है। पुराने नेता हैं और कद्दावर नेता गिने जाते हैं। अर्चना की सीट पर जो है वो भी 74% मतदान हुआ है। तो ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट, उन पर जो है वो मतदान। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप बात करेंगे बुधनी की, तो बुधनी में इस बार 2023 में 71% मतदान हुआ है। 2018 में मतदान वहां पर 82% था। इस बार बुधनी में मामा की सीट खतरे में तो नहीं है। दूसरा आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा के अंदर, छिंदवाड़ा में 75% मतदान हुआ है कमलनाथ की सीट पर। और पिछली बार 2018 की अगर बात करेंगे तो 79% मतदान जो है वो पिछली बार हुआ था। तो ये सबसे ज्यादा जहां पर वोटिंग हुई है आगर मालवा के क्षेत्र में, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई। आगर मालवा अंग्रेजों के जमाने की सबसे बड़ी जो है वो सैनिक बटालियन माना जाता है। तो वहां पर 82% वोटिंग हुई है आगर मालवा के क्षेत्र में। नीमच में 81.19 करीब 81 मान करके चलिए आप। शाजापुर में 80% और सबसे कम अगर वोटिंग कहीं पर हुई है तो वो अलीराजपुर के अंदर हुई है, 56% वोटिंग हुई है। भिंड में 58% वोटिंग हुई है। भोपाल में भी कम वोटिंग रही है, भोपाल में 59% वोटिंग रही है। देखिए इस बार इंदौर का रिकॉर्ड जो है सुधरा है। तो ये वोटिंग का जो परसेंटेज है समझना जरूरी है, क्योंकि वोटिंग के परसेंटेज से ही जो है वो आंकड़े जो है समझ में आते हैं और उसी के बाद जो है वो चीज़ें समझ में आती कि किस तरह से जो है वो किस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये जो है सुबह अगर 9 बजे की बात करें तो जो मतदान रहा है सुबह वो 11% 9 बजे तक मतदान रहा, माफ़ कीजिए 9 बजे तक जो मतदान हुआ वो 11% हुआ, और 11 बजे तक जो मतदान हुआ वो 28% हुआ। 1 बजे तक मतदान 45% हो गया था, 3 बजे तक मतदान 60% और 5 बजे तक मतदान जो है वो 71% हो गया था। तो ये जो है एक मोटे तौर पर जो रेशो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है बीजेपी की तरफ से जो चीज़ें हैं और कांग्रेस की तरफ से जो चीज़ें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात है, एक ही लाइन में दोनों बातें जो है वो कंप्लीट हो रही है। और मैं कुछ और देख रहा हूं अगर आपको कुछ इसमें से और बता पाऊं तो, वरना फिर हम लोग जो है वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ आकलन है उस पर थोड़ी बातचीत शुरू करेंगे। एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी के लिए अगर काम कर सकती है, अगर कोई अंडरकरंट कहीं पर बीजेपी के लिए दिख सकता है तो वो लाडली बहना योजना का दिख सकता है, जो 1250 रुपए शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे, 1000 रुपए से जिसकी शुरुआत हुई, फिर वो बढ़ाए गए पैसे और वो बिल्कुल आखिरी में हुआ चुनाव से ठीक पहले। तो हो सकता है कि लाडली बहना योजना वो बीजेपी को कुछ संजीवनी दे जाए। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के लिए सबसे अगर ज्यादा अगर वोट पड़े हैं किसी मुद्दे को लेकर के तो वो है एंटी इनकम्बेंसी। शिवराज सिंह चौहान के लेकर के, बीजेपी को लेकर के, 18 साल की सरकार को लेकर के जिस तरह की भारी भरकम एंटी इनकम्बेंसी थी उसकी वजह से बीजेपी के जबरदस्त वोट कटे हैं और कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो घोषणा पत्र और वचन पत्र जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लाया गया, तो वो घोषणा पत्र और वचन पत्र जो है वो गांव देहात तक पहुंच नहीं पाता, ये सच्चाई है। गांव देहात में जो अखबार पढ़ने वाला, टीवी देखने वाला वोटर है वो समझ पाता है, लेकिन खेत खलियान में काम करने वाली महिलाएं हैं, आदमी हैं, वो नहीं पता चल पाता है उनको कि क्या हो रहा है। और नेता भी आते हैं तो घोषणा पत्र कम और अपनी इधर उधर की बातें वो ज्यादा करते हैं। तो घोषणा पत्र और वचन पत्र को लेकर के मुझे लगता है कि वोटिंग उतनी भयंकर तरीके से नहीं हुई है जिस तरह से वोटिंग जो है वो घोषणा पत्र और वचन पत्र के लेकर के होनी चाहिए थी। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि घोषणा पत्र किसका क्या कहता है, वचन पत्र किसका क्या कहता है, उसको देखा जाए, और ना केवल उसको देखा जाए बल्कि अगले आने वाले 5 साल तक उसको संभाल करके जनता रखे और जब जब नेता आए तो उसके मुंह पर वो लगा दे कि देखो ये बोला था, ये हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, इस बार का जो चुनाव हुआ है, पहली बार का जो वोटर है, मुझे लग रहा है कि जो पहली बार का जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है।
अनुमूलन ऐसा होता है कि पहली बार का वोटर वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। महिलाओं का वोट जो है वो हो सकता है कि लाडली बहना की वजह से गांव देहात की जो महिलाएं हैं उनका वोट हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहा हो, लेकिन पहली बार का जो वोटर है, जो युवा है, मैं बात नहीं कर रहा हूं 25 साल के या 30 साल के नौजवान की, मैं बात कर रहा हूं जो पहली बार का वोटर है 18 से 21 साल के बीच में जिसकी वोट है, जो इसने पहली बार इस बार वोट दिया है, पहली बार का वोटर इस बार बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, ये साफ तौर पर दिख रहा था। क्योंकि पहली बार का वोटर वो बहुत चिंतित दिखा रोजगार को लेकर के, कि रोजगार नहीं है, उसके बड़े वाले जो भाई हैं जो 18 साल का 20 साल का 21 साल का नौजवान है वो देख रहा अपने घर में परिवार में अपने गांव में कि उसके बड़े वाले जो भाई हैं चाचा हैं वही घूम रहे हैं, अभी उसके लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और वो परेशान है उस बात से, और बीजेपी उस बात का समाधान नहीं दे पाई। बीजेपी रोजगार को लेकर के जवाब नहीं दे पाई, इसलिए जो पहली बार का वोटर है मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है। दूसरा, अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है लाडली बहना योजना की वजह से, कुछ जो है वो महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है, तो दूसरा कांग्रेस को फायदा जो हो रहा है वो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जो मिडिल एज और मिडिल क्लास वोटर है, जो मध्यम वर्गीय जो वोटर है, उसका वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। धर्म को लेकर के जो वोटिंग हुई है वो भी है, और धर्म को लेकर के बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी को अगर धर्म को लेकर के कोई वोट कर रहा था इस चुनाव के अंदर, हालांकि वैसे धर्म मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो सच्चाई है हम उस पर बात कर रहे हैं। धर्म को लेकर के अगर कहीं पर किसी ने वोट डाला है तो उसका वोट बीजेपी की तरफ गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद में इस बार अगर आप बात करेंगे जो वृद्ध वोटर है, मुझे लग रहा है कि उसका वोट भी वो कांग्रेस की तरफ गया है, क्योंकि वो अपने अब आखिरी दौर के अंदर वो एक बार सरकार को बदलते हुए देखना चाहता है। अगर नया वोटर है, उसने 18 साल का कोई नौजवान है, 20 साल का नौजवान है, तो उसका पूरी की पूरी जिंदगी बीजेपी के अंदर चली गई। सरकार ये कमलनाथ की जो आई 1.5 साल की, वो छोड़ दीजिए, उसको 15 महीने की जो सरकार रही उसको अलग कर दीजिए, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बीजेपी की सरकार में निकल गई। और दूसरा जो एक वृद्ध वोटर है 70 साल का, 80 साल का या 60 से ऊपर का, वो चाह रहा था इस बार की कांग्रेस की वोट जो है वो होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जो वृद्ध होता है आदमी तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा स्वभाव वो देने का हो जाता है, और उसको लगता है कि हमने बीजेपी को बहुत मौका दिया, एक मौका इस बार बीजेपी को दे दिया जाए। वृद्ध आदमी का थोड़ा दिल जो है वो ज़्यादा दयालु हो जाता है, और वृद्ध आदमी वो सोचता है कि ठीक है, हमने एक बेटे को अगर जिंदगी भर जो है वो 18 साल तक जो है वो इनको मौका दिया है, तो अब की बार दूसरे बेटे को मौका दे देते हैं। वृद्ध आदमी का वोटर भी, वृद्ध आदमी का जो मन है, वृद्ध वोटर भी जो है वो भी बीजेपी की तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये तो वोटरों के जरिए जो है मैंने आपको वोट किस तरफ जा रहा है ये बताने की कोशिश की है। अब आप कहें कि आंकड़े बताइए सरकार किसकी बन रही है, तो देखिए मैं आपको इतना जरूर कहूँगा, कल भी जब चुनाव हो रहे थे तो हम लोग मऊ की सीट पर थे, और मैंने कल भी आपको दिखाया कि किस तरह से हिंदू मुसलमान को लेकर के वहाँ पर बहुत टेंस वाला माहौल था। मैं चाहता तो वहाँ पर एक चटपटी आपको वीडियो बना करके दिखा सकता था कि भाई देखो कैसे जो है वो यहाँ पे माहौल गर्म है और ऐसे सब कुछ मैंने, लेकिन वो नहीं बनाई। कुछ जो है वो जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जिम्मेदारी समझ रहा था इसीलिए मैंने कल उस पर वीडियो नहीं बनाई। जब माहौल पूरा शांत हो गया, पुलिस ने लोगों को तितर बितर कर दिया, तब जा करके हमने वीडियो बनानी शुरू की, क्योंकि कुछ तो एथिक्स ऐसे होने चाहिए जो आदमी खुद भी उनको फॉलो करे। और इसीलिए आज जो है मैं आपको सीटें नहीं बताऊंगा कि किसकी कितनी सीट आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर जो है ये दिशा निर्देश है कि जब तक आखिरी मतदान नहीं हो जाता है, यानी अभी 25 तारीख का राजस्थान में है और 30 तारीख का तेलंगाना के अंदर है, जब तक आखिरी मतदान नहीं हो जाता है तब तक आप एग्जिट पोल नहीं बता सकते हैं। सीट की किसकी कितनी आ रही है वो आप नहीं बता सकते हैं, उसके बारे में आप शो नहीं कर सकते हैं।
तो वो आंकड़े मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो है वो जरूर पालन करें, भले चुनाव आयोग इस पर कितना पालन कर रहा है या चुनाव आयोग दूसरे लोग अगर नहीं पालन कर रहा तो उन पर कितनी कार्रवाई कर रहा है वो एक अलग विषय हो गया, हम लोग लेकिन इसका पालन करेंगे। ये बात जरूर है कि चुनाव के अंदर अगर अंडरकरंट चला तो बीजेपी को संजीवनी मिल सकती है, लेकिन अगर अंडरकरंट भी फेल है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी एक बहुत बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। अब ये अंडरकरंट है नहीं है ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपने देखा है और लगातार मैंने आपको दिखाया है, और इस बार जो है वो 20-20 मिनट की 25-25 मिनट की लंबी वीडियो भी हमने की है, और उन सब वीडियो के अंदर बगैर काट छांट किए पूरी की पूरी अनएडिटेड वीडियो आपने देखी है। कल रात को कैलाश विजयवर्गीय की सीट पर भी हमने इसी तरह से सब्जी मंडी के अंदर माहौल चेक करने की कोशिश की। हम चाहते तो एक बीजेपी के कार्यालय में या कांग्रेस के कार्यालय में जा करके वहाँ पर भी लोगों से बात करके वो खबर जो है 5 मिनट में वहाँ पर बन जाती, लेकिन वो काम किया ही नहीं तो फिर क्या क्यों करते उस काम को। बहरहाल अब मध्य प्रदेश का जो सफ़र है वो यहाँ तक था और अब आगे राजस्थान का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान में चुनाव बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब सब जो है ऐसे नेता जो हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए तेलंगाना इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस तेलंगाना में जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अब बीजेपी को तेलंगाना में सीटें मिलेंगी नहीं तो बीजेपी तेलंगाना में बहुत ज़्यादा प्रचार के लिए जोर लगाएगी नहीं, सारा जोर जो लगेगा अब वो राजस्थान के अंदर लगेगा। और राजस्थान के लोग अब इस बार क्या मूड बना रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार को लेकर के दोबारा वापसी का मूड है, रिवाज बदलने का मूड है, या वही राजस्थान का जो रिवाज है वो कायम रहेगा, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को लेकर के लोगों का गुस्सा है, या किस तरह से जो भी माहौल है वो सब कुछ टटोलेंगे, और जैसे मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई इसी तरह से राजस्थान के चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आप लोग जुड़े रहिएगा और शेयर कीजिए इस खबर को। आपका अनुमान क्या कहता है मध्य प्रदेश में, आपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है या और खबरें आप देख रहे हैं तो आपका अनुमान क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश कौन जीत रहा है, किसकी लहर दिखाई दे रही है, किसका रुझान था, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।